अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ज़र्दा बनाने की एक बहुत ही बेसिक और इजी रेसिपी शेयर करूँगी, जिससे आप बहुत ही आसानी से ज़र्दा बना सकते हैं और बिल्कुल परफेक्ट ज़र्दा बनेगा। ना तो आपके चावल टूटेंगे, ना ही सख्त होंगे, बिल्कुल जैसे बनने चाहिए वैसे ही बनेंगे। तो अगर आप बिल्कुल न्यू ट्राई कर रहे हैं ज़र्दा, तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले चावल बॉयल करने के लिए मैंने 4 से 5 कप पानी रख दिया गर्म होने के लिए। इसमें हम 2 से 3 सब्ज़ इलायची तोड़ के डाल देंगे। येलो फूड कलर यानी कि जर्दे का रंग, वो मैं 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो कलर है वो पानी के साथ मिक्स हो जाए। अब 1 कप चावल है मेरे पास जिनको मैंने 30 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था, वो डाल देंगे पानी में। और अब हमने चावल जो है वो बॉयल कर लेने हैं। इनको हमने 3/4 बॉयल करना है, यानी कि 1 कली छोड़ के हमने चावल बॉयल कर लेने हैं। चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं, अब मैं इनका जो पानी है वो निकाल लूँगी और इन्हें अलग से जो है वो हम एक छाननी में रख देंगे। एक कढ़ाई में मैं 3 टेबलस्पून घी ले रही हूँ, अगर आप चाहें आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ये बटर घी ऐड किया, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इसको थोड़ा सा हम गर्म कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब 2 से 3 इसमें इलायची डालेंगे और 14 से 15 बादाम है जिनको मैंने बॉयल करके छिलका उतार लिया। इनको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे घी के साथ। अब मैं शुगर इसमें ऐड कर रही हूँ, जो 1 कप चावल हमने लिया था उसी 1 कप में चीनी हमने डाल के और 2 टेबलस्पून हमने निकाल देने हैं। पूरा 1 कप ऐड नहीं करना हमने, थोड़ा सा चीनी को मिक्स करके इसमें मैंने 1/2 कप दूध ऐड किया। जब चीनी और दूध ऐड करना है तब हमने फ्लेम लो कर देना है और उसके बाद फिर अगेन हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो ये देखें शीरा बन चुका है, दूध में चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही हमें जो है वो इसको बॉयल आने देना है और इसके बाद हम इसमें बॉयल्ड राइस ऐड कर देंगे। कोशिश करें कि जिस कप को आपने जो है वो चावल मापने के लिए यूज़ किया है उसी कप में जो है वो आप चीनी जो है वो लें और उस 1 कप चीनी में से 2 टेबलस्पून निकाल दें। अगर हम पूरा 1 कप जो है वो चीनी ऐड कर देंगे तो जर्दे में चीनी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो फिर आप 1 कप ही ऐड करें। अब मैं इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे हल्के हल्के हाथों से जो है वो ऐसे हिलाऊंगी और इसका हमने जो पानी है वो ड्राई कर लेना है। अब देखें कि पानी काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई हो चुका है, बहुत थोड़ा सा रह गया है तो हमने अब इसको दम दे देना है लो फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट तक। 15 मिनट हो चुके हैं और दम हमारा कंप्लीट हो गया। मैं इनको हल्का हल्का हिलाऊंगी, एक दफ़ा इनको हवा लग जाए और आप देख सकते हैं कि हमारा ज़र्दा रेडी हो गया है। ना तो बिल्कुल जो है वो चावल हमारे टूटे हैं। अक्सर क्या होता है कि ज़र्दा जो होता है उसके चावल जो है वो बहुत नरम हो जाते हैं या फिर बहुत सख्त हो जाते हैं। तो इस रेसिपी को फॉलो करके आपके चावल बिल्कुल मीडियम रहेंगे और जो मीठा है वो भी बिल्कुल मुनासिब होगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।